9 नवंबर 2019 दिन शनिवार और 10:40 पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं आपसे बता दूं कि ये दिन एक ऐतिहासिक दिन है और इस दिन को आपको जीवन पर्यंत याद रखना होगा, क्योंकि आज के दिन ही अयोध्या का फैसला सुलझ चुका है और रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सारे जस्टिस ने मिलकर एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा फैसला सुनाया है। ये पूरे देश हित के लिए है दोस्तों। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि अयोध्या फैसला जो है सुलझ चुका है और ये पूरा का पूरा फैसला जो है वो दोनों ही पक्षों में आया है। आपसे मैं बताऊं कि हिंदू और मुसलमान यहाँ दोनों के हित में ही फैसला दिया गया है दोस्तों। तो मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ कि अयोध्या फैसला क्या है। दोस्तों मैं आपसे बताऊं कि रंजन गोगोई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच की ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का कि आप रामलला का मंदिर बनवा सकते हैं। ये पक्ष सरकार के पक्ष में है, ये सरकार बनवाएगी रामलला का मंदिर अयोध्या में और मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन दी जाएगी जो कि अयोध्या में ही दी जाएगी और कहीं नहीं दी जाएगी। और रामलला का मंदिर जब बनेगा तो उसको ट्रस्ट के तौर पर बनवा दिया जाएगा। ये जो है फैसला है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और ब्रीफ बताना चाहता हूँ कि ये जो फैसला था ये बहुत ही पुराना मुद्दा रहा है। 1949 से लेकर आज तक इस फैसले को कभी भी किसी भी तरीके से डिस्प्यूट हो जा रहा था, कभी सुप्रीम कोर्ट का फैसले की वजह से डिस्प्यूट हो जा रहा था, कभी हाई कोर्ट के फैसले की वजह से डिस्प्यूट हो जा रहा था। 1990 से लेकर आज तक बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूट हुए, दोनों पक्षों के बीच में काफी दंगे भी हुए। 1934 में भी दंगा हुआ था और ये पूरा का पूरा प्रकरण जो है 1850 के दशक से चला आ रहा है, जब मुस्लिम पक्ष ने वहां नमाज अदा करने का जो हिस्सा है उसको अपना पक्ष बताया कि हम लोग वहां उस समय से नमाज अदा करते आ रहे हैं, उसका प्रूफ भी दिखाया। तो इन्हीं सब के मुद्दों को लेते हुए आज तक डिस्प्यूट चलता रहा और 9 नवंबर दिन शनिवार 2019 को 10:30 पे यह फैसला आ चुका है जो कि रंजन गोगोई जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी अध्यक्षता में जो 5 लोगों की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट में, और ये फैसला सुनिश्चित हुआ है कि मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन और रामलला का मंदिर जहां था वहीं बनेगा। ये बहुत ही सुखद अनुभूति हमारे देश के लिए और आप लोगों से विनती है कि आप लोग इस फैसले को अपना सम्मान दें और फैसलों को शुभकामनाएं दूसरों को बांटें, कोई भी डिस्प्यूट ना करें। और आप लोगों से एक निवेदन है कि इस फैसले का आप सम्मान करें और अपने आप में भाईचारा रखें। जो भी आपका जो क्षेत्र है, आप जिस रीजन से भी बिलोंग करते हैं अपने रीजन में, ये आप एक गुड न्यूज की तरह आप समझें इसको। इसमें कोई भी किसी भी समुदाय का नुकसान नहीं है और हम एक अच्छे लोकतांत्रिक देश का मिसाल बन सकते हैं पूरे विश्व में। तो दोस्तों ये एक बहुत ही आपसे मैं बताऊं कि एक अच्छा और सुखद अनुभूति हमारे देश के लिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में और योगी जी जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में आज ये फैसला सुनाया गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस फैसले को भी बहुत ही अच्छे ढंग से आप इसको स्वीकार करते हैं। तो मैं इसी के उम्मीद से आप लोगों से मैं बताना चाहता हूं कि अयोध्या जो डिस्प्यूट था ये खत्म हो चुका है और आगे की जो बात है वो सरकार के ऊपर निर्भर करती है कि वो किस तरीके से मंदिर का निर्माण कराता है और मंदिर के निर्माण में क्या क्या जो खर्च होते हैं वो किसके पक्ष में जाता है, वो सरकार के पक्ष में जाता है कि केंद्र सरकार के पक्ष में जाता है। ये सब चीजों के लिए मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा कि ये किस तरीके का मंदिर बनेगा और क्या कैसे होना चाहिए वहां का निर्माण। और आप चाहते हैं कि मुस्लिम पक्ष जो 5 एकड़ जमीन मिला है कि वो कहाँ मिला है एग्जैक्ट लोकेशन, तो अगर आप कमेंट करके हमें बताएं तो मैं उसके बारे में आपको रिसर्च करके बताऊंगा कि कहाँ पे मुस्लिम पक्ष के लिए ये जो जमीन अधिग्रहण की गई है वो कहाँ के लिए की गई है, वो कुछ दिन में उसका भी फैसला आ जाएगा दोस्तों। तो ये एक बहुत ही अहम मुद्दा था जिसकी वजह से हम 20 सालों से लड़े आ रहे थे और दोनों जो पक्ष है निर्मोही अखाड़ा और सिया जो वक्फ बोर्ड है और सुन्नी जो वक्फ बोर्ड है, इन तीनों के फैसलों का सम्मान, तीनों को फैसले जो है सम्मान करना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि हमारे देश के लोग इतने पढ़े लिखे और समझदार हैं कि इस फैसले का
जो सम्मान करेंगे। और आप लोगों को मैं बताऊं, ये बहुत ही गर्व की बात है कि एक अच्छे अध्यक्ष के रूप में रंजन गोगोई ने ये बहुत अच्छा फैसला दिया है, जो कि 17 नवंबर को रिटायर भी होने वाले हैं ये। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इसी तरीके का मैं वीडियो बनाता रहता हूं, मोटिवेशनल वीडियो बनाता रहता हूं, और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कोर्सेज के बारे में बताता रहता हूं, ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में बताता रहता हूं, लोगों को अवेयर करता रहता हूं कि आप किस तरीके से पैसा अर्न कर सकते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, और भी बहुत तरीके का मैं वीडियो बनाता रहता हूं। जैसे कि आपको बताऊं कि पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूं, मोटिवेशनल वीडियो भी बनाता रहता हूं। आप लोग अगर इस वीडियो को लाइक करते हैं तो हमको ये अच्छा लगेगा, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करें, और कोई भी गलत भावना ना रखें और इस फैसले का आप स्वीकार करें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।